इस फिल्म की शुरुआत 1939 में पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो से होती है। यहाँ हम एक काफ़ी मशहूर पियानिस्ट व्लाडिस्लाव स्पिलमैन को देखते हैं। स्पिलमैन डेली की तरह रेडियो स्टेशन के लिए पियानो प्ले कर रहा होता है, पर आज जब वो पियानो प्ले कर रहा होता है तो उसको बाहर काफ़ी गोलियाँ चलने की आवाज़ें आती हैं, पर स्पिलमैन पियानो प्ले करना नहीं छोड़ता। लेकिन अब इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है तो स्पिलमैन और उस स्टूडियो में खड़े हर शख्स को यहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ से भागते वक्त स्पिलमैन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम डोरोटा होता है। डोरोटा उससे कहती है कि वो उसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन है और उसे पियानो बजाते हुए बहुत पसंद करती है, पर अभी ऐसे टाइम में इन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है और सबको यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद स्पिलमैन अपने घर जाता है जहाँ स्पिलमैन का भाई, उसकी दो बहनें, उसके मॉम और डैड वॉर्सो से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्पिलमैन कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं भागेगा और अगर उसे मरना ही है तो वो अपने घर में ही मरेगा। इसी वक्त रेडियो पर न्यूज़ आती है कि ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी को वार्निंग दी थी और जर्मनी की तरफ से उसका कोई भी जवाब नहीं आया है, तो वो नाजी जर्मनी पर युद्ध का ऐलान करता है और साथ ही कहता है कि आगे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ यही करने वाला है। ये सुनकर स्पिलमैन की पूरी फैमिली खुश होती है, पर इनकी खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहती और थोड़े ही दिनों में पोलैंड पर जर्मनी ने जीत हासिल कर ली होती है। जर्मन फोर्सेस ऐलान करती हैं कि कोई भी यहूदी अपने घर में 2000 ज़्लॉटी से ऊपर नहीं रखेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्लॉटी पोलैंड की करेंसी है। नाजीज़ यहाँ पर रेडियो स्टेशन बंद कर देते हैं जिससे स्पिलमैन की जॉब भी चली जाती है। इसके बाद डोरोटा और स्पिलमैन की फिर से मुलाकात होती है और ये लोग एक कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, पर इस कैफ़े के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि यहूदियों का अंदर आना मना है। डोरोटा कहती है कि चलो हम किसी पार्क में चलते हैं, तो स्पिलमैन बोलता है कि यहाँ अब काफ़ी कुछ बदल चुका है और यहूदियों का पार्क में जाना तक मना है। स्पिलमैन कहता है कि क्यों ना हम लोग यहीं खड़े खड़े बात करें, और ये लोग वहीं पर खड़े बातें करने लगते हैं। इसके बाद न्यूज़पेपर में छपता है कि यहाँ से सभी यहूदियों को अपना घर छोड़कर जर्मन्स की बनाई गई नई जगह पर जाना होगा जिसे घेटो कहा जाएगा। न्यूज़पेपर में ये भी छपा होता है कि यहूदियों को अपने हाथ पर एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनना होगा जिसमें ब्लू कलर का एक बड़ा स्टार बना हो जिससे सारे यहूदी दूर से पहचाने जा सकें। देखते ही देखते यहूदियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। स्पिलमैन की माँ काफ़ी रोती है क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 20 ज़्लॉटी ही बचे होते हैं। स्पिलमैन क्राइसिस देखकर अपना पियानो बेच देता है और अपनी फैमिली की मदद करता है। अब वो दिन भी आता है जब सारे यहूदियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। स्पिलमैन बाकी यहूदियों की तरह अपनी फैमिली के साथ नई जगह पर जा रहा होता है और रास्ते में उसे डोरोटा दिखती है। स्पिलमैन उससे मिलता है और कहता है कि ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और हम लोग दोबारा से मिलेंगे। स्पिलमैन और उसकी फैमिली जर्मन्स की बनाई उस नई जगह पर पहुंच जाते हैं, पर यह जगह काफ़ी छोटी होती है। स्पिलमैन की मॉम कहती हैं कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में सो जाया करूंगी और तुम तीनों रूम में सो जाना। यहाँ इनके साथ बाकी यहूदियों का भी काफ़ी बुरा हाल होता है और ना जाने कितने तो भूख से तड़प कर मर जाते हैं। स्पिलमैन और उसका भाई हेनरिक किताबें बेचते हैं, पर ऐसे टाइम में क्यों कोई किताबों पर पैसे खर्चेगा और इनकी ये कोशिश बेकार जाती है। जर्मन्स को ये अपना ऑपरेशन रन करने के लिए अपनी फोर्स में कुछ यहूदियों की भी ज़रूरत होती है और एक यहूदी जिसका नाम इज़ाक होता है जर्मन फोर्स ज्वाइन कर लेता है। अब जब स्पिलमैन और हेनरिक अपने घर आते हैं तो इज़ाक वहाँ पहले से बैठा होता है। इज़ाक हेनरिक को पहले से जानता होता है और वो उसे फोर्स में शामिल होने के लिए कहता है, पर हेनरिक मना कर देता है और कहता है कि फोर्स में आकर वो अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा और उसे जर्मन्स की गुलामी करने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद इज़ाक ये ऑफ़र स्पिलमैन को देता है, पर वो भी इसके लिए मना करता है, तो इज़ाक गुस्से में आकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब थोड़े दिन बाद स्पिलमैन को एक रेस्टोरेंट में पियानो प्ले करने का काम मिल जाता है। जर्मन्स ने अब यहूदियों का बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। एक रात जर्मन सोल्जर्स स्पिलमैन के अपार्टमेंट के सामने वाले अपार्टमेंट में जाते हैं जहां एक यहूदी परिवार खाने के टेबल पर बैठा होता है। जर्मन्स वहां सबको खड़ा होने के लिए कहते हैं और सब खड़े हो जाते हैं, पर वहां एक बुज़ुर्ग जो कि व्हीलचेयर पर होता है खड़ा नहीं हो पाता है। जर्मन सोल्जर्स ये जानते हुए भी उस इंसान को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं और इसके बाद उस पूरे परिवार को बिल्डिंग के बाहर लाकर भागने के लिए कहते हैं, और जब इस परिवार के लोग भागने लगते हैं तो उन पर गोलियां चलाकर उन्हें जान से मार देते हैं। ये सब स्पिलमैन की फैमिली अपने घर से देख रही होती है और ये देखकर बहुत बुरी तरह सहम जाती है।
इसके कुछ दिन बाद स्पिलमैन अपनी जॉब पर होता है और तभी उसकी सिस्टर वहाँ भागते हुए आती है और उसको बताती है कि जर्मन्स ने यहूदियों को खुलेआम गोलियाँ मारना शुरू कर दी हैं और वो लोग हेनरिक को उठा ले गए हैं। अब स्पिलमैन हेनरिक को ढूंढता हुआ इज़ाक के पास जाता है और उससे उसके भाई को ढूंढने में मदद मांगता है। इज़ाक मना कर देता है पर स्पिलमैन उसे गड़गड़ाता है और अपने भाई की जान की भीख मांगता है, तो वो थोड़ी देर में हेनरिक को जेल से निकाल कर स्पिलमैन को दे देता है। इसके बाद दिन आता है 15 मार्च 1942 का, जब सारे यहूदियों को लेबर कैंप में भेजा जा रहा होता है। यहाँ वो लोग दिन रात काम करते हैं। इसके बाद इन सबको नई जगह पर लेकर जाते हैं जो कि काफ़ी ओपन होती है और वहाँ काफ़ी तेज़ धूप होती है। यहाँ बहुत से यहूदी बच्चे और बुज़ुर्ग पानी की तड़प से मर जाते हैं। इसके बाद सारे यहूदियों को ट्रेन में भरकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। स्पिलमैन अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रहा होता है पर तभी इज़ाक उसे आवाज़ देता है और उसे पीछे खींच लेता है। स्पिलमैन उठकर अपने परिवार की तरफ बढ़ता है पर इज़ाक उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, ये जितने भी लोग ट्रेन में जा रहे हैं इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। स्पिलमैन अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही जाना चाहता है पर इज़ाक स्पिलमैन को आगे बढ़ने से रोक देता है और तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। देखते ही देखते ये ट्रेन्स यहाँ से निकल जाती हैं और स्पिलमैन आज काफ़ी ज़्यादा रोता है क्योंकि आज उसने एक ही झटके में अपने माँ बाप भाई बहन सबको एक साथ खो दिया है और अब वो उनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। स्पिलमैन अपने कैंप में वापस जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बस वहाँ पर बिखरा हुआ सामान और यहूदियों की लाशें होती हैं। इसके बाद स्पिलमैन उस जगह पर जाता है जहाँ वो पियानो प्ले करता था। यहाँ पर भी कोई नहीं होता है पर एक शख्स जो कि एक अलमारी के पीछे छुपा होता है स्पिलमैन को अपने साथ यहाँ पर छुपा लेता है और ये लोग ऐसे ही कुछ दिन तक छुपे रहते हैं। कुछ टाइम बाद हालात नॉर्मल होते हैं और जर्मन्स को कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के लिए यहूदियों की ज़रूरत पड़ती है और वो बचे हुए यहूदियों से कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं। स्पिलमैन और ये आदमी दोनों ही लग जाते हैं। अब एक बार जब सारे यहूदी काम से वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है और इनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल कर गोली मार देता है। इसमें से वो आदमी भी होता है जिसने स्पिलमैन को अपने साथ छुपाया था पर आज वो भी मार दिया गया है। स्पिलमैन कुछ टाइम ऐसे ही मजदूरी करता है और फिर उसकी मुलाकात एक यहूदी मैजरिक से होती है जो उसके साथ वहाँ काम करता है। स्पिलमैन मैजरिक को पहले से जानता था और इसने जर्मन्स के आने के बाद उसकी फैमिली को हेल्प भी करी थी। वो कहता है कि हम 5 लाख यहूदी थे जिसमें से अब सिर्फ 60,000 बचे हैं क्योंकि बाकियों को इन जर्मन्स ने मार दिया है। वो कहता है कि हम ज़्यादातर जितने भी लोग बचे हैं यंग हैं, तो क्यों ना हम जर्मन से खिलाफ लड़ें। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है और एक दिन ईटे ऊपर पहुंचाते वक्त उसे आसमान में काफ़ी सारे प्लेन्स दिखते हैं। स्पिलमैन ऊपर देखने के चक्कर में कुछ ईटे नीचे गिरा देता है। इस बात पर एक जर्मन ऑफिसर उसे बुलाता है और हंटर से काफ़ी मारता है। इसके बाद वहाँ पर काम करने वाले लोग स्पिलमैन का काम बदल देते हैं, उसे मजदूरी छुड़वा कर बिल्डिंग में स्टॉक मेंटेन करने का काम देते हैं। इसके बाद एक दिन एक जर्मन ऑफिसर यहाँ काम कर रहे सारे यहूदियों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम अपने में से एक इंसान ऐसा चुनो जो डेली बाज़ार जाकर तुम लोगों के लिए 3 किलो आलू और ब्रेड लेकर आ सके। यहाँ पर सब लोग मैजरिक को चुनते हैं, वही इंसान जो स्पिलमैन से बगावत की बात कर रहा था। मैजरिक डेली जाकर सामान लाना शुरू कर देता है पर वो सामान के साथ साथ कुछ पिस्टल्स भी छुपा कर लाने लगता है। स्पिलमैन और मैजरिक की सारी पिस्टल्स शाम को एक दीवार के पीछे फेंकने लगते हैं जहां काफ़ी सारे यहूदी बगावत की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन रात में स्पिलमैन मैजरिक के पास जाता है और कहता है कि वो एक हस्बैंड और वाइफ को जानता है जिनका नाम एंड्रेज और जनीना है। तुम डेली शहर जाते हो तो एक बार जाकर उनसे मेरे लिए बात करो, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ साथ हम लोगों की भी मदद ज़रूर करेंगे। मैजरिक शहर जाकर स्पिलमैन का काम कर देता है और अब एक दिन स्पिलमैन मौका देखते ही यहाँ से भाग जाता है। वो भागकर तुरंत जाकर एंड्रेज और जनीना से मिलता है। इसके अगले दिन एंड्रेज स्पिलमैन को लेकर एक फ्लैट में जाता है और उससे कहता है कि तुम अभी कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुको। वो उससे कहता है कि हम मेन गेट बाहर से लॉक करके रखेंगे ताकि अगल बगल में किसी को भी कोई शक ना हो। वो कहता है कि जनीना तुम्हारे लिए हफ्ते में 2 बार खाने का सामान लेकर आया करेगी। वो साथ ही में स्पिलमैन को एक पर्ची देता है और कहता है कि अगर कैसी भी इमरजेंसी पड़ जाए और तुम्हें यहाँ से भागना पड़े तो तुम इस पते पर पहुँच जाना। ये फ्लैट उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के पास ही होता है जो कि उसकी विंडो से साफ साफ दिखता है। टाइम आता है 19 अप्रैल 1943 का, जब दीवार के पीछे रह रहे यहूदी बाहर मार्च कर रहे जर्मन सोल्जर्स पर हमला बोल देते हैं।
ये लोग जर्मन सोल्जर्स पर भारी पड़ते हैं, पर यह किस्सा ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जर्मन्स अगले दिन दोबारा आते हैं और इस बार वो अपने साथ तोप लेकर आए होते हैं। वो तोप से उस दीवार को उड़ा देते हैं जिसके पीछे बिल्डिंग में सारे यहूदी छुपे हुए थे। इनके बीच ये लड़ाई कुछ दिन चलती है, पर जर्मन्स धीरे धीरे करके उस पूरी बिल्डिंग को ही जला देते हैं और फाइनली 16 मई 1943 को इनके बीच लड़ाई ख़त्म हो जाती है और इन सबको पकड़कर जर्मन्स गोलियां मार देते हैं। अब एक दिन स्पिलमैन को बगल वाले फ्लैट से पियानो प्ले करने की आवाज़ आती है। स्पिलमैन किचन में जाकर दीवार से कान लगाकर उसको सुनने की कोशिश करता है, पर इसी बीच उससे किचन में काफ़ी सारी प्लेट्स गिर जाती हैं, जिससे पड़ोस में रह रही लेडी को अंदर किसी के होने पर शक होता है। वो बाहर से दरवाज़ा पीटने लगती है और बाहर आने के लिए कहती है। बाहर जाता है और वो लेडी उससे उसका आईडी कार्ड मांगने लगती है, क्योंकि स्पिलमैन यहाँ रहने के लिए रजिस्टर्ड नहीं होता है। स्पिलमैन के ना दिखाने पर वो समझ जाती है कि स्पिलमैन यहूदी है। वो औरत यहूदी यहूदी चिल्लाकर शोर मचाने लगती है और स्पिलमैन को वहाँ से तुरंत भागना पड़ता है। स्पिलमैन इसके बाद उस इमरजेंसी वाले पते पर पहुँचता है। यहाँ उसे डोरोटा मिलती है। स्पिलमैन को जिस आदमी से मिलना होता है, डोरोटा उसकी पत्नी होती है। स्पिलमैन की ऐसी हालत देखकर डोरोटा को काफ़ी दुख होता है और वो उसे बताती है कि उसने पिछले साल ही शादी कर ली है और इस क्रिसमस पर उसका बेबी होने वाला है। थोड़ी ही देर में यहाँ डोरोटा का हस्बैंड माइकल आता है और स्पिलमैन से मिलता है। स्पिलमैन एक रात इनके घर में ही आराम करता है और अगली सुबह माइकल उसको एक फ्लैट में लेकर जाता है जिसके सामने एक बड़ा हॉस्पिटल होता है जहाँ वॉर में घायल जर्मन्स का इलाज किया जाता है। माइकल स्पिलमैन से बोलता है कि यह बहुत ही सेफ एरिया है, बस तुम्हें यहाँ चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए रहना होगा, और फिर वो चला जाता है। इस नई जगह पर पियानो भी रखा होता है और स्पिलमैन उसे बहुत ही कम आवाज़ में प्ले करता है ताकि आसपास रह रहे किसी को भी आवाज़ ना जाए। इसके बाद एक दिन माइकल और उसका एक साथी एंटेक स्पिलमैन के लिए खाना लेकर आते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हें बस अब कुछ दिन और यहाँ छुपना होगा, क्योंकि दुश्मन सेनाएं जर्मनी की कमर तोड़ने में बस अब कुछ दिन ही दूर हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और माइकल या एंटेक में से किसी ने भी स्पिलमैन के लिए खाना नहीं पहुँचाया होता है और इससे स्पिलमैन की हालत ख़राब होने लगती है। वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ये बात जब माइकल और डोरोटा को पता चलती है तो वो स्पिलमैन को देखने आते हैं। स्पिलमैन की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है और वो बेड पर लेटा होता है। माइकल डोरोटा को स्पिलमैन के पास रुकने के लिए कहता है और खुद जाकर एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करता है जिस पर भरोसा किया जा सके। डोरोटा यहाँ पर स्पिलमैन का ख्याल रखती है और उसको बताती है कि वो और माइकल उसकी मॉम के पास रहने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब कुछ भी सेफ नहीं है। माइकल थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर स्पिलमैन को देखने के बाद कहता है कि स्पिलमैन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, पर यह सर्वाइव करेगा, और वो उसे कुछ दवाइयाँ देता है। अब टाइम आता है अगस्त 1944 का, जब लोकल पॉलिश लोग जर्मन्स के खिलाफ हथियार उठाने लग गए हैं। स्पिलमैन अपनी बिल्डिंग के बाहर देखता है कि लोकल्स ने जर्मन्स को निशाना बनाया है और इनके बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही है। इसमें स्पिलमैन के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने भी अपनी बालकनी से जर्मन्स के ऊपर गोलियाँ बरसाई होती हैं। जर्मन्स यहाँ पर तो मारे जाते हैं, पर अगले कुछ दिन बाद जर्मन्स इस पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं और तोप से उड़ाने लगते हैं। स्पिलमैन अब काफ़ी परेशान होता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है, पर जर्मन्स ने दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए होते हैं। स्पिलमैन हेल्पलेस होता है, पर इस ब्लास्ट में बिल्डिंग की दीवारें टूट जाती हैं और स्पिलमैन दूसरी तरफ फांदता है। वो बचते बचते बिल्डिंग के बाहर की तरफ चला जाता है। जर्मन्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर वो किसी तरीके अपने आप को अंदर की तरफ खींचकर अपनी जान बचाता है। इसके बाद स्पिलमैन बचते बचते पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के बाहर आता है। यहाँ जर्मन्स और पॉलिश लोगों के बीच अभी भी लड़ाई जारी रहती है, तो वो अपने आप को कुछ ड्रम्स के पीछे छुपा लेता है। यहाँ जर्मन्स ने काफ़ी सारे पॉलिश लोगों को मार गिराया होता है। रात में स्पिलमैन हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसी समय वहाँ पर जर्मन्स मार्चिंग करने आ जाते हैं और स्पिलमैन को कुछ नहीं सूझता है तो वह एक लाश की तरह ज़मीन पर लेट जाता है और जर्मन्स मार्च करते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद स्पिलमैन उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। स्पिलमैन यहाँ इस हॉस्पिटल में अकेला होता है, क्योंकि अटैक होने के बाद से ही जर्मन्स ने इस हॉस्पिटल को खाली कर दिया होता है। स्पिलमैन बहुत दिनों तक यहाँ नहीं छुप पाता है और अगले एक दो दिनों में ही जर्मन्स आकर इस पूरे एरिया को आग के हवाले कर देते हैं। स्पिलमैन अपनी जान बचाने के लिए एक दीवार फांदकर पहले से बर्बाद हो चुके एरिया में पहुँच जाता है। दीवार कूदते वक्त स्पिलमैन के पैर में चोट भी लग गई होती है।
स्पिलमैन किसी तरीके घिसट घिसट कर एक घर के अंदर घुस जाता है और यहाँ वह पागलों के तरीके खाना ढूंढ रहा होता है क्योंकि भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। स्पिलमैन को एक वेजिटेबल कैन मिलता है और वो उसको खोलने की कोशिश करता है, पर उसे तभी बाहर से कुछ जर्मन सोल्जर्स की आवाज़ आती है तो वो उस कैन को लेकर घर के ऊपर के फ्लोर में चला जाता है और अपने आप को छुपा लेता है। स्पिलमैन इसके बाद रात में इस कैन को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर आता है। स्पिलमैन उसको देखकर काफ़ी घबरा जाता है। वो ऑफिसर उसकी हालत देखकर पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। स्पिलमैन उसको अपने बारे में सब कुछ सही सही बता देता है। इस जर्मन ऑफिसर का नाम हॉजनफेल्ड होता है और यह सुनने के बाद स्पिलमैन एक पियानिस्ट है वो उसको अपने साथ दूसरे रूम में लेकर जाता है जहाँ एक पियानो रखा होता है। स्पिलमैन की खाना ना मिलने से काफ़ी हालत ख़राब होती है, पर पियानो मिलते ही वो उस पर अपना कमाल दिखाता है और ये देखकर हॉजनफेल्ड काफ़ी इम्प्रेस होता है। हॉजनफेल्ड इसके बाद यहाँ से चला जाता है और अगले दिन स्पिलमैन के लिए खाना लेकर आता है और उसको बताता है कि तुम्हें बस कुछ हफ्ते और यहाँ गुजारने होंगे क्योंकि नदी के उस पार रशियन आर्मी पहुँच चुकी है और ये फाइट हम लगभग हारने ही वाले हैं। हॉजनफेल्ड कुछ टाइम बाद यहाँ दोबारा आता है और स्पिलमैन को काफ़ी सारा खाना देता है। स्पिलमैन उससे कहता है कि वो उसका कैसे शुक्रिया अदा करे, ये उसे समझ में नहीं आता है। हॉजनफेल्ड उससे कहता है कि तुम मेरा नहीं, रब का शुक्रिया अदा करो। साथ ही वो स्पिलमैन से कहता है कि हालात को देखकर लग रहा है कि इसके बाद शायद मैं यहाँ पर ना आ पाऊँ। वो स्पिलमैन से कहता है कि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। स्पिलमैन कहता है कि मैं दोबारा से पियानो प्ले करूँगा। वो स्पिलमैन से कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर रेडियो पर सुनूँगा और अपना ख्याल रखना। ऑफिसर जाते वक्त स्पिलमैन को अपना कोट दे देता है क्योंकि स्पिलमैन के कपड़े काफ़ी फट चुके थे और इस ठंड में ये कोट उसके ज़रूर काम आएगा। ये कुछ दिन बाद हालात नॉर्मल होते हैं और इस एरिए में स्पिलमैन को कुछ लोग लौटते हुए दिखाई देते हैं। स्पिलमैन तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास जाता है, पर स्पिलमैन ने उस जर्मन ऑफिसर का कोट पहना होता है तो उन लोगों के साथ चल रही फोर्स उसे जर्मन समझती है और उस पर गोलियाँ चलाती है। स्पिलमैन अपनी जान बचाते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है और वहाँ से अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है कि वो जर्मन नहीं है, ये कोट उसने सिर्फ ठंड से बचने के लिए पहन रखा है। अब पोलैंड जर्मनी से पूरी तरह मुक्त हो गया था, यहूदियों पर अत्याचार भी बंद हो गया था। इसके कुछ टाइम बाद कुछ पोलिश यहूदी एक वॉर कैंप के बाहर से निकलते हैं जहाँ रशियंस ने जर्मन सोल्जर्स को वॉर प्रिजनर बनाकर रखा होता है। एक पोलिश यहूदी जर्मन सोल्जर्स को गालियां बकता है और कहता है कि उन्होंने उसका वॉयलिन तक तोड़ दिया था जो उसे सबसे प्यारा था। इन जर्मन कैदियों में ऑफिसर हॉजनफेल्ड भी होता है। वो उस वॉयलिनिस्ट से कहता है कि अगर तुम स्पिलमैन को जानते हो तो उससे कहना कि मेरी यहाँ पर मदद करे, मैंने उसके छुपने में उसकी मदद करी थी। हॉजनफेल्ड उसे अपना नाम बताने ही वाला होता है, पर इतने में ही रशियन सोल्जर उसे पीछे धकेल देता है। इसके कुछ दिन बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और स्पिलमैन दोबारा से रेडियो स्टेशन पर पियानो प्ले कर रहा होता है। वहाँ वही वॉयलिनिस्ट आता है और उसको इस पूरे किस्से के बारे में बताता है। स्पिलमैन समझ जाता है कि ये वही जर्मन ऑफिसर है, पर स्पिलमैन को उसका नाम नहीं पता होता है क्योंकि उसने उसका नाम नहीं पूछा था। तुरंत उसके साथ उस लोकेशन पर जाता है, पर अब उस जगह पर सारे वॉर प्रिजनर्स को ले जाया जा चुका होता है और वो जगह बिल्कुल खाली होती है। स्पिलमैन को इस बात का काफ़ी दुख होता है कि वो उसकी जान बख्शने वाले जर्मन ऑफिसर की हेल्प नहीं कर पाया। स्पिलमैन इसके बाद काफ़ी बड़ा पियानिस्ट बनता है और अपने आखिरी टाइम तक वॉरसॉ में ही रहता है। स्पिलमैन की मौत 6 जुलाई 2002 और तब वो 88 साल का था। और हॉजनफेल्ड का पूरा नाम था कैप्टन वाइल्ड हॉजनफेल्ड, जिसके बारे में बस इतना ही पता चल पाया कि वो वॉर प्रिजनर बनने के बाद 1952 के आसपास में सोवियत वॉर कैंप में मारा गया था। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी है और हमें सिखाती है कि इंसान ही कैसे इंसानियत का दुश्मन बनता है, और जब इंसान के दिल में दूसरों के लिए नफरत सवार हो जाती है तो वो इस समाज को कितना गंदा और भद्दा बना सकता है। हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया था ये बिल्कुल वैसा ही था। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।